डैगन कहा जाए तो बेन 10 में दिखाया गया सबसे पावरफुल विलन, कहा जाए तो विलन्स में टॉप में आएगा डैगन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या कभी डैगन वापस आ सकता है बेन 10 में। डैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, डैगन ने अल्टीमेट वेबिक को भी हराया था, क्रोमा स्टोन को भी हराया था, और वह डैगन ही था जिसने सर जॉर्ज को मिटा दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है डैगन का, क्या कभी डैगन आ सकते हैं वापस बेन 10 में, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। अब हम सभी को बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के लास्ट एपिसोड में देखने को मिला था, जहां पर हमें यह देखने को मिला था कि जो विलगेक्स है वो ढाल को तोड़ देता है और डैगन जो है वह आजाद हो जाता है। डैगन को कैद किया था सर जॉर्ज ने, जब डैगन का जो दिल है उसको निकाल लिया गया था और एस्कलन के साथ छोड़ दिया गया था वहां पर। वहीं पर हमें देखने को मिला था कि जो स्विज मॉन्स्टर है, जो कि हमारा विलगेक्स ही था, विलगेक्स ने डैगन का जो थोड़ा सा पावर है और जो एस्कलन का पावर है, जहां पर विलगेक्स जो है वो अपने नॉर्मल रूप में आ पाया था, तो विलगेक्स ने जब एस्कलन को उठाया तो डैगन का जो हार्ट है वो डैगन आजाद हो गया, जिसके कारण डैगन जो है वो अपने पावर्स को और पाने लगा और विलगेक्स को कुछ पावर दे दिया गया। पर हमें यह देखने को मिला कि विलगेक्स ने डैगन को आजाद किया और बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के लास्ट एपिसोड में, जहां पर हमें डैगन वर्सेस बेन के बीच फाइट देखने को मिला, जहां पर बेन का सबसे पावरफुल एलियन में से एक हम लोग बोल सकते हैं अल्टीमेट वेबिक को, वह हार गया था डैगन से। और हम सभी को यह बात पता है कि डैगन ही वह विलन था जिसने हमारे सर जॉर्ज को हराया था, और सर जॉर्ज को हराना इतना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि सर जॉर्ज ही थे जिन्होंने डैगन को हराया था, उसका हार्ट जो है, दिल जो है वह एस्केलन में घुसा दिया था। पर इस बार डैगन बहुत ज्यादा पावरफुल होके वापस आया था, जहां पर एस्केलन भी नहीं बचा पाया सर जॉर्ज को, और सर जॉर्ज जो है वो हमेशा के लिए मिट चुके थे बेन 10 से। फिर हमें क्या देखने को मिला, विलगेक्स ने हमेशा की तरह धोखा दे दिया। विलगेक्स ने एक ऐसा मशीन बनाया जिससे कि पूरा का पूरा डैगन को ही एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो विलगेक्स को पूरा का पूरा डैगन का पावर मिल गया और डैगन एक तरह से विलगेक्स के अंदर था, पर वहां पर विलगेक्स कंट्रोल कर रहा था डैगन को। इस पर आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग अपने मेन टॉपिक पर बात करते हैं, क्या कभी डैगन वापस आ सकता है। देखो अभी डैगन कहाँ है, अभी जो डैगन है वो फंसा हुआ है एस्केलन तलवार में, और एस्केलन है हमारे एजमत के पास। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा, एजमत ने एस्केलन को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा और साथ में डैगन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, नहीं तो एजमत ने कहीं बचा के रखा होगा एस्केलन को ताकि किसी और फाइट में बेन की मदद हो सके। तो ऐसा अगर हुआ होगा तो क्या पता कोई एक ऐसा विलन होगा जो कि उस तलवार को ढूंढ निकालेगा और वहां से डैगन को वह आजाद करेगा। तो क्या पता बेन 10 के न्यू सीरीज में या फिर कभी हमें ऐसा दिखाई दे कि डैगन का एक बार फिर से रिटर्न हो बेन 10 में और हमें डैगन एक बार फिर से देखने को मिले, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और बेन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा डैगन को हराना, क्योंकि डैगन और भी ज्यादा पावरफुल होके आएगा और डैगन के सामने बेन भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि डैगन जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अगर हमें डैगन कभी फ्यूचर में देखने को मिलता है बेन 10 में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और कितना ज़्यादा शौक हो गए डैगन को देखकर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं हूं डैगन, मेरी ताकत देखो और डरो।